नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा स्टॉक बताने वाला हूं जो प्राइस के टैग के मामले में आपको 50 रुपये से भी नीचे के लेवल पर आपको ये स्टॉक मिलने वाला है। और ये स्टॉक अभी करंट प्राइस पर, अगर मैं आज की बात करूं, आज है 7 जून 2023, और 7 जून 2023 को भी ये स्टॉक करीब करीब 44 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। और सेम डे का अगर मैं आपको बताऊंगा तो आज के दिन भी इस स्टॉक में करीब करीब 6.5% का तेजी यानी कि उछाल देखने को मिला है। तो नो डाउट कुछ दिनों से, लास्ट एक महीने से तो नहीं कहेंगे लेकिन लास्ट वीक से इस स्टॉक में तेजी आई है और उछाल देखने को मिला है। उसका बहुत बेसिक सा रीज़न है और वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा, और वीडियो को पूरा इत्मीनान के साथ में देखेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। एक अच्छे स्टॉक से ही आप अपना अच्छा पोर्टफोलियो मेंटेन कर सकते हैं और एक पॉजिटिवली एक जैसे प्रॉफिट की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि कुछ दिनों से लगातार सेंसेक्स भी अच्छे ट्रेड अच्छे प्राइस की तरफ चल रहा है और अच्छे उसमें भी तेजी देखने को मिल रही है। तो इसके साथ साथ ट्रेडिंग के अंदर हर आदमी इस समय, तो मैं समझता हूँ कि सभी लोग प्रॉफिट बना रहे होंगे, फिर भी कुछ लोग ऐसे या कुछ इन्वेस्टर इस तरह के भी रह जाते हैं इस टाइम में भी कि वो प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं। अच्छा, यहाँ तक बात है कि जैसे अगर आप सोचते हैं कि कोई स्टॉक में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए मैं बता रहा हूँ, तो इस स्टॉक के बारे में जिसमें हम बात कर रहे हैं, कंपनी का नाम मैं आपको इस वीडियो के अंत में जरूर बताऊंगा, तो उसमें भी आप देखेंगे कि इसमें आप शॉर्ट टर्म में भी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। जैसे कि आज की बात करें तो आज भी 6.5% की इस स्टॉक में तेजी देखी गई। तो 6% अगर एक दिन में भी आप अर्न करते हैं तो एक बड़ी अमाउंट आप उठा सकते हैं। और प्राइस की जहां तक स्टॉक की बात है, 40 रुपये के फिगर में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 40 रुपये के प्राइस पर ये ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ी अमाउंट वाला स्टॉक है, तो 50 की रेंज वाला स्टॉक। और ये 50 की रेंज वाले स्टॉक जो होते हैं, ये जब भी चलते हैं तो रॉकेट की तरह चलते हैं, और जिस दिन भी ये अपनी तेजी पकड़ते हैं तो आप मानिए कि तब ये एकदम से 100 का आंकड़ा पार करते हैं, फिर 150 करते हैं, 200 का आंकड़ा पार करते हैं। अब चूंकि इस कंपनी से नाम जुड़ा हुआ है अडानी एंटरप्राइजेस का, तो मैं आपको पिछली भी वीडियो में मैंने बताया कि जैसा आपको पिछले करीब एक साल पहले भी आपने जब सुना होगा कि NDTV का जो स्टैक था वो अडानी एंटरप्राइजेस ने जब उसको एक्वायर किया, तब उस समय एकदम से NDTV के स्टॉक बहुत तेजी के साथ भागे थे। और आज आप देख रहे हैं कि वो तेजी 40 रुपये से सीधा 80 रुपये हुए थे, और 80 के बाद में आज 250 रुपये के आसपास, 240 रुपये के आसपास वो ट्रेड कर रहा है। तो लोगों ने उस चीज़ को समझा और उस सिचुएशन को समझने के बाद भी उसमें इन्वेस्ट किया, और वो आज प्रॉफिट बना रहे हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं। नो डाउट ये स्टॉक बहुत अच्छा है। मैंने सारा एनालिसिस इस स्टॉक का किया है और करंट में आपको मैंने बता दिया कि एक दिन के अंदर भी 6.3 या 6.4% का रिटर्न सेम डे में इसने दिया है। तो ये आने वाले टाइम में और भी तेजी पकड़ने वाला स्टॉक है। इत्मीनान के साथ में सुनेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। और इस वीडियो के बाद में मैं कुछ ऐसे स्टॉक भी आपको बताने वाला हूँ सेम इसी वीडियो में, जिसमें आप और भी इंटरेस्ट ले सकते हैं या स्टडी कर सकते हैं। कुछ कंपनीज के मैं ऐसे नाम बताऊंगा जिस पर आप जाकर के उसको चेक कर सकते हैं, जिससे आने वाले टाइम में अगर आप कोई नया इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो उस पर आप अपना देख सकते हैं। तो इस कंपनी का जो 52 वीक का जो हाई है वो 44 रुपीज अभी आपको देखने को मिल रहा है, और 52 वीक्स की अगर मैं लो की बात करूंगा तो कंपनी का जो लो रहा है 52 वीक्स का, तो वो भी करीब करीब आप देख करके भी इसकी स्टडी खुद भी कर पाएंगे। तो इसमें 39 रुपीज़ इसका 52 वीक्स का लो रहा है, और 52 वीक्स का हाई 68 रुपीज़ अकॉर्डिंग टू ये एनालिसिस पे रहा है। तो इसमें आप चेक कर सकते हैं। और साथ के साथ ट्रेड की जहां तक बात कर रहे हैं, तो ट्रेड में भी अच्छी इसकी ट्रेडिंग हो रही है, बाइंग सेलिंग बहुत ज़बरदस्त है। कंपनी का मार्केट कैप की बात करूंगा तो 8,000 करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट कैप है। ROE और EPS इसका -0.9 रहा है। कंपनी पर पहले डेट की कुछ वजह से कंपनी थोड़ा डाउन थी, अभी इसमें अडानी का स्टैक होने के कारण ये कंपनी आगे बहुत तेजी से इसका स्टॉक रन कर रहा है। बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो प्रोमोटर्स का भी इस कंपनी में 62% से भी ज़्यादा की हिस्सेदारी है, रिटेल्स में 24.5, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, और इसके अलावा इसमें अगर बात करेंगे आप FII की तो वो भी उसके फिगर भी ठीक हैं। अब बात आती है कि ऐसा क्या हो गया एकदम से कि इस स्टॉक में इतनी तेजी हुई है, और स्टॉक का जो शेयर प्राइस है, बात शुरुआत में अगर आप देखें तो 5 नवंबर 2005 को ये कंपनी लिस्टेड हुई थी, इसका IPO लिस्ट हुआ था तब इसका 5 नवंबर 2005 को, और उस समय ये कंपनी 13 रुपये के प्राइस पर ट्रेड कर रही थी, यानी 13 रुपीज़ पर इसका शेयर का प्राइस था जब लॉन्चिंग टाइम था। और आज इस कंपनी का करीब करीब 44 रुपीज़ पर ये ट्रेड कर रहा है। बीच में इसने कुछ खास प्रॉफिट नहीं दिए हैं, लॉसेज ज़्यादा रहे हैं। साल भर पिछला अगर आप चेक करेंगे तो लॉसेज रहे हैं, 2 साल में लॉसेज रहे हैं, 3 साल में भी, 3 ईयर्स में भी, लंबे टाइम से इसमें लॉस रहे हैं।
अब कंपनी का नाम की बात आती है तो सभी लोग जानते हैं कंपनी का नाम है रेणुका शुगर लिमिटेड, यानी कि श्री रेणुका शुगर लिमिटेड का ये स्टॉक है और इसमें आप प्लान कर सकते हैं। और ये एक एडवाइस है, किसी को ये फोर्स नहीं है कि आपको लेना ही है। आप पहले इसकी एजुकेशनल स्टडी कर लीजिए या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लीजिए, जिसके बाद में आप अपना कोई डिसीजन बनाएं। क्योंकि शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट जितना भी है, उसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लॉसेज होते रहते हैं, प्रॉफिट भी बनते रहते हैं। लेकिन हमारा, मेरा अपना काम जो है वो ये, मैं समझता हूँ कि अच्छे स्टॉक्स की जानकारी देना ये मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। तो उसी के चलते मैं आपको हमेशा ही अच्छे स्टॉक के बारे में बताता हूँ। तो ये तो बात रही श्री रेणुका शुगर के स्टॉक के बारे में, जो एकदम से रॉकेट बनने वाला है। अभी आपके पास टाइम है, अभी ये 44 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है, इस पर आप बाइंग की, इस पर बहुत सारे, मेरे अलावा बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो इसमें बाइंग की सलाह भी दे रहे हैं, तो उस पर आप अपनी नज़रें बना सकते हैं और कंपनी के स्टॉक के बारे में स्टडी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ अच्छे स्टॉक्स की जो आने वाले समय में बूम कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। कुछ नाम मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, लगभग हर वीडियो में लोग मुझसे पूछते रहते हैं कुछ अच्छे स्टॉक्स के बारे में बताइए, कुछ अच्छे स्टॉक जिसमें प्रॉफिट हो। तो ऐसे कुछ मैं 2-3 कंपनियों के नाम जो मेरे पोर्टफोलियो में भी शामिल हैं, तो आप उनको जाकर के स्टडी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब अगर बड़ी फिगर में आप चेक करना चाहेंगे तो बड़े फिगर में अच्छे प्रॉफिट और मार्जिन को देने वाली कंपनी का नाम है। और जैसे आप अगर चाहते हैं कोई ऐसा स्टॉक जो 600-700 रुपये की रेंज का हो, तो उसमें आप टोरेंट पावर को ब्लाइंडली उसको आप कर सकते हैं। टोरेंट पावर एकदम से बूम पर ही जाने वाला है, पिछले Q4 की अच्छे रिजल्ट्स उसका कारण है, साथ के साथ उनके पास बहुत बड़े कुछ ऑर्डर्स भी हैं, तो उसके चलते ऐसा देखने को मिल रहा है। तो इसमें आप टोरेंट पावर में अगर 600-700 की फिगर में आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप टोरेंट पावर के बारे में सोच सकते हैं। और भी अच्छे स्टॉक्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर उससे भी बड़े प्राइस मनी के आपको स्टॉक चाहिए तो टॉप स्टॉक्स में अगर आप चाहें तो KIE इंडस्ट्री जो है, काई जिसको बोलते हैं बिजली का तार जो बनाती है, KEI, तो KEI इंडस्ट्रीज के स्टॉक में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके स्टॉक का प्राइस करीब 2100 से भी ज़्यादा है, यानी कि 2170-75 रुपये के आसपास ही वो ट्रेड कर रहा है। और भी अच्छे कुछ सस्ते वाले मैं स्टॉक आपको बता देता हूँ, तो आप इसमें प्लान कर सकते हैं साथ के साथ में। और अगर आपको बहुत सस्ता चाहिए, 15-20 रुपये की रेंज में चाहिए, 10-15 रुपये का कोई स्टॉक आप अच्छा प्लान कर रहे हैं, तो उसमें अभी भी आप चाहें तो एंट्री ले सकते हैं। सुजलॉन एनर्जी एक अच्छा ऑप्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है और उसमें आपको प्रॉफिट बनाने में बहुत आसानी भी रहने वाली है। सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक अभी 14.5 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, तो इस पर भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा ये तो 10-15 रुपये का एक स्टॉक मैंने आपको बता दिया, साथ के साथ मैं आपको एक और स्टॉक, करीब 2 स्टॉक और बता देता हूँ जो आपको 50-60 रुपये की रेंज में है, तो उसमें भी आप अच्छा प्लान कर सकते हैं। जिसमें आप जैसे देखें, कंपनी का नाम है टेक्स मैको रेल एंड इंजीनियरिंग। तो टेक्स मैको का जो स्टॉक है अभी 66 रुपये, यानी आज जो ट्रेड स्टार्ट हुआ है, करीब 60 रुपये का स्टॉक था और सेम डे, आज सिंगल वन डे के अंदर करीब 10% की उछाल इस स्टॉक में देखी गई है, जो एक बहुत अच्छी उछाल है, बहुत अच्छी तेजी है। टेक्स मैको को आप 60 रुपये की रेंज का ये स्टॉक है, अभी अगर पकड़ लेंगे तो ये 150 का आंकड़ा पार करने वाला है। तो ये मैंने आपको 60 रुपये की रेंज में भी बता दिया। और भी मैं आपको कुछ अच्छे स्टॉक बता दूं, रेल विकास निगम अभी भी बहुत अच्छा स्टॉक रहेगा, आने वाले समय में भी ये और भी बढ़ेगा। उसके बाद में और भी मीडियम लेवल के कुछ स्टॉक हैं, लेकिन अब बात करते हैं पैनी स्टॉक की। कुछ लोग हमेशा ही पूछते हैं कि और सस्ता कुछ छोटा स्टॉक आप मुझे बताएंगे, तो उसमें आप देख सकते हैं स्टॉक है रतन इंडिया पावर। जी रतन इंडिया पावर का स्टॉक अभी मेरे ख्याल से 3 रुपीज़ और 70 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है और उसमें भी ठीक ठाक एंट्री आप ले सकते हैं और वो आने वाले समय में एक मल्टी बैगर रिटर्न देने वाला स्टॉक साबित होने वाला है और उसमें भी स्पीड पकड़ ली है और वो कुछ ही समय में आप देखेंगे 6-7 रुपये की रेंज में भी ट्रेड करता हुआ दिखने जाएगा, करीब करीब महीने के अंदर भी ऐसा हो सकता है। और ये जरूरी भी नहीं है कि महीने में हो, 2 महीने में हो, बट एक बहुत अच्छा स्टॉक है 3.5 रुपये की रेंज में, तो ये स्टॉक भी आप चेक कर सकते हैं। स्टॉक का नाम मैंने आपसे शेयर कर दिया है, रतन इंडिया पावर। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए, शेयर किया कीजिए। और भी किसी तरह के क्वेश्चन है तो आप ये लिख सकते हैं। इसी के साथ यहीं पर वीडियो यह समाप्त करते हैं। सभी को नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।